पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जान को खतरा किससे बताया? क्या पीएम को भाजपा के लोगों से ही खतरा था? क्या नरेंद्र मोदी अपने ही कार्यकर्ताओं से डरते हैं? क्या पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसमें बीजेपी की सोची समझी साजिश थी? ये तमाम सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के वक्त जो कुछ भी हुआ, जिसकी कहानी और स्क्रिप्ट भाजपाइयों और मोदी ने मिलकर गढ़ी, उसकी पोल पट्टी अब खुल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को कथित प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने के मामले में भाजपा नेताओं की पोल अब खुल गई है। फ्लाईओवर पर फंसे प्रधानमंत्री के काफिले का नया वीडियो अब सोशल मीडिया के जरिए सामने आ गया है, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि उनके काफिले को घेरने वाले लोग कोई प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि खुद उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके अपने समर्थक थे। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में कुछ लोग बीजेपी का झंडा थामे प्रधानमंत्री मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की ठीक दूसरी तरफ लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जयकार लगाते सुने जा सकते हैं। हालांकि ये वीडियो पीएम के काफिले से काफी दूर से शूट किया गया था, जिस वजह से इस पूरे दृश्य की जो स्थिति है वो साफ नहीं हुई थी। लेकिन अब फ्लाईओवर और पीएम के काफिले का करीब से शूट किया गया ये वीडियो सामने आया, जिसमें बीजेपी के समर्थक उनके ही जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही बवाल मच चुका है। आप भी देखिए और सुनिए इस पूरे वीडियो को। मोदी साहब, हालांकि इससे पहले उसी शाम पीएम के काफिले का ये वीडियो वायरल हो चुका था, जिसमें बीजेपी के झंडे साफ दिखाई दिए थे। लेकिन ये वीडियो काफी दूर से शूट किया गया था, इसलिए उस वक्त स्थिति साफ नहीं थी। तभी से भाजपाइयों के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट पर और उनके द्वारा किए जा रहे ड्रामे पर खूब सवाल उठने लगे थे, क्योंकि उस वीडियो में कुछ सुनाई भले ही ना दे रहा हो, लेकिन बीजेपी का झंडा जरूर दिखाई दे रहा था। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी के नेताओं का दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले तक एक साजिश के तहत प्रदर्शनकारियों को पंजाब सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पहुँचाया है। बीजेपी ने इसका आरोप पंजाब की कांग्रेस सरकार पर लगाया। भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना, क्योंकि वो एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी का प्रमुख यही दावा था कि प्रधानमंत्री काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया, जबकि खुद फिरोजपुर की रैली में भीड़ एकत्रित करने के लिए हरियाणा से बीजेपी समर्थकों को बसों में भर भर कर लाया जा रहा था। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री के हो रहे पुरजोर विरोध के चलते प्रदर्शनकारी किसान रैली में जाने वाले लोगों को रोक रहे थे। खुद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि प्रदर्शनकारियों के जत्थे का प्रधानमंत्री के काफिले से कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि जिस जगह पर प्रदर्शनकारी एकत्रित हो गए थे वहां से प्रधानमंत्री का काफिला काफी दूर पर था, और वहीं खड़े खड़े 15-20 मिनट में प्रधानमंत्री और उनके लोगों की सांसें फूल रही थी, अटक रही थी। लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई कथित चूक का मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। भाजपा द्वारा लिखी गई पूरी कहानी पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि जब फ्लाईओवर पर नारा लगाने वाले भाजपा के ही लोग थे, तो प्रधानमंत्री ने जान का खतरा किससे बताया? क्या मोदी और भाजपाइयों ने मिलकर पंजाब के लोगों और कांग्रेस के सीएम को बदनाम करने की कोशिश की? राज्य में होने वाले चुनाव से पहले इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की? ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।